नमस्कार दोस्तों, आज हम सब क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर 7 का ये भाग 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में जैव विविधता के बारे में बताया गया, वर्गीकरण क्यों किया गया इसके बारे में बताया गया, और वर्गीकरण का क्या आधार था। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति रस्तु ने क्या, फिर लिनियस, उसके बाद आर्य छोटेकर का पांच जगत का वर्गीकरण किया, उसके बारे में बता दिया गया था। अब हम देखेंगे इससे जो वर्गीकरण था पांच जगत वाला, उसको हम विस्तार से देखेंगे। जैसे सबसे पहले आर्य छोटेकर ने जो वर्गीकरण किया कोशिकीय संरचना के आधार पर किया था। तो कोशिकीय संरचना में क्या किया था कि देखा कि कोशिकाएं दो प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं, तो उनको कोशिका के आधार पर अलग किया। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आर्य छोटेकर ने सबसे पहले कोशिका संरचना के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों में से प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका संरचना के आधार प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक वर्ग में रखा और यूकैरियोटिक कोशिका को एक वर्ग में रखा। प्रोकैरियोटिक कोशिका को जिस जगत में रखा उस जगत का नाम जगत मोनेरा रखा। यूकैरियोटिक कोशिका और जीवों में पाई जाती थी, तब उनके कोशिका संगठन के आधार पर उनको अलग किया, कोशिका संगठन के आधार पर। कोशिका संगठन के आधार पर अलग किया तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जितने थे उनमें एक कोशिकीय होते थे, और बहुकोशिकीय होते थे। तो जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी एक कोशिकीय होते थे, तो उनको जगत प्रोटिस्टा में रखा। जगत प्रोटिस्टा में रखा। अब बहुकोशिकीय जितने जीव थे उनके पोषण के आधार पर उनको अलग किया, पोषण विधि के आधार पर। जब पोषण विधि के आधार पर अलग किया जब पोषण विधि के आधार पर अलग किया तो कुछ जीव परपोषी होते थे और कुछ स्वपोषी होते थे। तो जितने जीव स्वपोषी होते थे उनको जगत पादप में रखा। अब परपोषी तो इनको, इनके पोषण विधि क्या तरीका, इसके आधार पर इनको दो जगत में रखा। तो कुछ होते थे जो अपने भोजन का अवशोषण करते थे, उनको जगत
कवक जो अपने भोजन का अंतग्रहण करते थे उनको जगत जंतु में रखा इसी के आधार पर आर्य छुटेकर ने पांच जगत वाला जीवों का वर्गीकरण किया। तो यह था जीवधारियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, किस आधार पर पांच जगत बनाए गए और इसके बारे में अब हम एक एक जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आपके इसमें केवल जगत जंतु और जगत पादप के आपके जो सिलेबस में है जगत जंतु और जगत पादप के बारे में पढ़ना है। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत कवक आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा विस्तार से। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम आपको इनके बारे में कुछ बातें ज़रूर बता देंगे। अब इसके बाद का टॉपिक आता है जीवधारियों का नामकरण, एवं वर्गीकरण। हम जीवधारियों का नामकरण कैसे किया गया, वर्गीकरण जब पढ़ लेंगे तब जगत जंतु और जगत पादप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का एक सामान्य नाम और एक वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता था कि सामान्य नाम प्रत्येक जीव का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता था। जैसे गौरैया की बात की जाए तो आपने यहाँ गौरैया कहा जाता है, दक्षिणी भारत में इसे पिचुका कहा जाता है और इंग्लैंड में इसे हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। तो वैज्ञानिकों को एक जीव को समझने में बड़ी कठिनाई होती थी, तो वैज्ञानिकों ने इनको आसानी से समझने के लिए इनका वैज्ञानिक नाम दिया कि प्रत्येक जीव को उनके नाम से जाना जा सके। जैसे कि हम आम कहते हैं, कहीं पर चले जाए इसको मैंगो अंग्रेजी और नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा इंडिका। जैसे मेढक, मेढक कहते हैं, फ्रॉग और कई नामों से उसको जाना जाता है अलग अलग स्थानों पर। और वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नाम दिया जो पूरे विश्व के लोग जाने। तो नामकरण पद्धति सबसे पहले अपनाई थी, यानी जीवों का नाम जो दिया था उसको कहते हैं, वो दिए थे कैरोलस, लीनियस। कैरोलस लीनियस ने एक पद्धति दी थी जिसका नाम था द्वि नाम पद्धति। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीवों के वर्गीकरण करके अपने पुस्तक में लिखकर रखा, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। द्वि नाम पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक जीव का दो नाम होगा। किसने कहा था? कैरोलस लीनियस ने। अब द्वि नाम पद्धति में किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना है तो उसका हम वंश लिखते हैं और उसकी जात लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है मेढक का वैज्ञानिक नाम, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। तो राना इसका वंश है और टिग्रीना इसकी जाति है। इसी आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण, किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है,
तो हम जान गए कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लेनियस ने वर्गीकरण करके अपने पुस्तक में रखी थी, किसने, किस पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। और प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए उसकी वंश और जात लिखी जाती है। अब किसी जीव का वर्गीकरण किया जाए तो क्या क्या लिखा जाता है, तो वर्गीकरण की जो पद्धति है उसको हम देखेंगे। किसी जीव का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जगत, किंगडम, फिर हम लिखते हैं संघ, फाइलम, फिर लिखते हैं वर्ग, क्लास, जगत, संघ, वर्ग, अब लिखते हैं गण, ऑर्डर, और लिखते हैं जगत, संघ, वर्ग, गण। देखो सबसे पहले लिखते हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, इसके बाद लिखते हैं कुल। फैमिली, उसके बाद लिखते हैं वंश, जीनस, फिर लिखते हैं जात, तो स्पीसीज। इसी आधार पर किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण करने के लिए इतनी चीज़ें लिखने आवश्यकता है। पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो जगत है, और सबसे छोटी इकाई क्या है, जात है। अगर हम किसी जीव के बारे में नीचे से ऊपर की ओर अध्ययन करेंगे तो इनमें समानताएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। और किसी जीव के ऊपर से हम नीचे के बारे में अध्ययन करेंगे तो इनमें समानताएं क्या होंगी, घटती जाती हैं। जात, एक ही जात के कई जीवों को मिला दिया जाता है तब एक वंश बनता है, एक वंश के कई जीवों को मिला दिया जाता है तो एक कुल, और बहुत से कुलों को मिला दिया जाता है तो एक गण, और बहुत से गणों को मिला दिया जाता है तो एक वर्ग, और बहुत से वर्ग जब आपस में मिल जाते हैं तो एक संघ, और बहुत से संघ के जीव आपस में मिलते हैं तो एक जगत बनता है। इसी आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अब वंश और जात मिलाकर उस जीव का वैज्ञानिक नाम लिख दिया जाता है। जंतु वैज्ञानिक नाम लिख दिया जाता है। देखो जंतु वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम हैं, जैसे आगे का अक्षर बड़ा होना चाहिए कैपिटल लेटर का, और वंश और जात दोनों, वंश का जो होगा अक्षर वो आगे का अक्षर बड़ा होना चाहिए। और अगर हम किसी कंप्यूटर के माध्यम से किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो वैज्ञानिक नाम लिखना होगा, तो हम उसको तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। अगर हम हाथ से अपने लिखते हैं किसी जीव का वर्गीकरण करेंगे तो वैज्ञानिक नाम के अंदर वैज्ञानिक नाम के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, तभी हमारा वर्गीकरण सही होगा। हम मान लीजिए हमें वर्गीकरण करना है
मनुष्य का, तो मनुष्य का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले देखेंगे मनुष्य किस जगत का प्राणी है। तो हम सब इससे पहले जगत पढ़ चुके हैं, तो मनुष्य जंतु जगत का प्राणी है। फिर देखेंगे किस संघ का प्राणी है, तो संघ को हम पढ़ेंगे। जब जंतु जगत पढ़ा जाएगा तो आपको जंतु जगत के कई संघ हैं, जैसे संघ कार्डेटा, नान कार्डेटा, पोरीफेरा, मोलस्का, ऐसे संघ कार्डेटा का प्राणी मनुष्य है। कार्डेटा संघ में वह जीव रखा गए हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है। और इसके बाद देखेंगे मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है, तो ये मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। मैमेलिया वर्ग में वो प्राणी रखे गए हैं जो स्तनधारी होते हैं। अब देखेंगे इसका गण क्या है, तो हम देखेंगे मनुष्य किस जगत का प्राणी है, जंतु। संघ क्या है, कार्डेटा। वर्ग क्या है, मैमेलिया। और गण क्या है, प्राइमेटस। और कुल क्या है, तो इसका है ये होमोनिडी। और इसकी जात क्या है, तो इसकी जात है होमो। वंश इसका क्या है, होमो। जात इसकी है सेपियंस। और अब इसका हमें वैज्ञानिक नाम लिखना है, तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। इसी आधार पर हम प्रत्येक जीव का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण करने के लिए इतने चीज़ों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जात लिखेंगे। ये नहीं कि पहले जात लिख दें फिर वंश लिखें, पहले गण लिख दें फिर वर्ग लिखें, तो ये आपका क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा। अब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखना, जैसे मनुष्य का हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे होमो सेपियंस। अब वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए आपको नियम बता ही दिया गया है कि अगर अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो वंश के, वंश लिखना है तो आगे का अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, अगर और जात का आगे का अक्षर स्मॉल लेटर, और अगर हम अपने हैंड से लिखते हैं तो इसके वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए। अगर हम किसी कंप्यूटर पर लिखते हैं तो वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। आगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।